हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा अरोरा रेसिपीज चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुरकुरा और चटपटा नाश्ता, और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये पैन या कढ़ाई, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसे गैस पर रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, 1 छोटी चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए पानी में उबाला आ चुका है, तो अब हम यह गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। इसी कप से हमने पानी मेज़र करके डाला था, 1 कप पानी, और इसी कप से हम चावल डाल रहे हैं, यानी 1 कप पानी में हमने 1 कप चावल का आटा डालना है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, ये बिल्कुल डो जैसा तैयार हो जाएगा। ये डो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा मुलायम। अगर सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, और अगर मुलायम है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं। ये देखिए डो जैसा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। और ये 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 1 बड़े साइज़ का आलू जिसे हमने उबाल कर अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मुझे ये थोड़ा सा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, शायद आलू में मॉइस्चर था इस वजह से। तो हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारा डो तैयार है। अगर हाथों पर ये थोड़ा सा चिपक रहा है, तो आप हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा के अगर इसे मलेंगे या इसे डो तैयार करेंगे, तो ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और ये देखिए डो हमारा एकदम चिकना और स्मूद और बढ़िया हो चुका है तैयार। अब हम इसे इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसमें से एक बड़ी सी लोई तोड़ रही हूँ। अब हम इसे हाथों के बीच इस तरह से रोल करते हुए गोल शेप दे देंगे। और अब हमने ये एक बॉल में चावल का आटा लिया है, इसे चावल के आटे से अच्छे से कोट करेंगे। और अब हम इसे बोर्ड पर रख कर बेल लेंगे। हमें इसे मोटी रोटी की तरह बेलना है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा। ये देखिए आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, हमें इसे इतना मोटा ही बेलना है। अब हम ये छोटा सा ढक्कन ले लेंगे। आप कोई भी छोटा सा ढक्कन जो भी आपके घर में हो आप ले सकते हैं, किसी भी साइज़ का, जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। अब इस ढक्कन की हेल्प से हम इसे छोटे छोटे गोल टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नाइफ़ से भी आप इसे स्क्वायर शेप दे सकते हैं। और अब हम इसमें से एक्स्ट्रा डो हटा लेंगे और उसे आटे में ही डाल देंगे, ताकि हम उसे दोबारा रोल कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे गोल पीसेस आ चुके हैं। हमने ऑयल पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और ये नीचे से एक साइड से पक चुके हैं, तो अब हम इन्हें पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने इन सभी को फ्राई कर लिया है और टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे। और ये देखिए ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। ये चावल के आटे का बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही करारा है, कुरकुरा है और साथ ही चटपटा भी है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें।